I'm not wearing it right now, but I got a very cute gift of a small pendant, which was given by my family. And it's like with her first earning she has given. So that is very special to me. Thank you. मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए याद नहीं है. मैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से रही हूँ, तो बर्थडेज का इम्पोर्टेंस कभी उतना नहीं रहा है. चॉकलेट्स लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया, ये होता था. बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव, जो एक स्पेशल नोट पे बनता है, वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है. सो इट फील्स वेरी स्पेशल. देर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. ऑल्सो आई हैव टेकन अप विथ सिंगिंग राइट नाउ, सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, डूइंग माई शोज ऑल ओवर इंडिया, दैट विल बी ऑन कार्ड्स. प्लस देर आर सम मूवीज विच आर इन द पाइपलाइन विच विल बी ऑन हिंदी प्रोजेक्ट नोट. सो बहुत जल्दी कोई एक मूवी की खबर भी आ जाएगी आप सभी को, विच विल बी अ हिंदी फिल्म. एंड इट हैज़ गॉट रिलेशनशिप ऑफ अ गर्ल हु इज़ अ प्रोस्टिट्यूट एंड वॉट शी हैज़ गॉन थ्रू, इसके बारे में वो फिल्म है. और इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे जाने माने कलाकारों में से नाम जुड़े हुए हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. पाखी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मेरी फ्रेंड है. और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लाइक मी, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है. बट वो भोजपुरी की सुपरस्टार बनी एंड शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में करी भोजपुरी में. और आज उनका जन्मदिन है और हम उनको बर्थडे विश करने के लिए आए हैं. मैंने तो भोजपुरी सिनेमा बनाया है, लाइक हमारे बॉलीवुड में यशराज बैनर है, तो भोजपुरी में तो मेरा बैनर है. तो कट्टा तनल दुपट्टा रवि किशन और पवन सिंह को लेकर बनाया है, फिर होगी प्यार की जीत खेसारी लाल के साथ, और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मेरे प्रोडक्शन ने. तो और मैंने काम भी किया है, अभी फ़िलहाल रवि के साथ भी गाना किया है. तो मैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, चॉलीवुड, सारे वुड में हम कौन सा वुड है जो राकेश ने नहीं किया? हाँ, सारे वुड में मैं काम करती हूँ, हॉलीवुड बाकी है. प्रियंका गई है ना, तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वो रॉक कर रही है प्रियंका, अब मैं वहाँ पे जाकर रॉक करूँगी. मेरी असली जगह वही है एक्चुअली. माय गॉड, वाओ, भारत रिलीज हो गई है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एक्चुअली टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़, ईद के कारण इतनी भीड़. मैंने कैसे कैसे ब्लैक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती, बट मैंने टिकट ली वहाँ कैसे कैसे फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज सारे शोज़ बुक हो चुके थे. एंड अमेजिंग फिल्म, मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ में बनी है. मुझे लगता 1000 करोड़ तो ज़रूर कमाएगी. पब्लिक तो CHU है, पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो कुछ भी पसंद नहीं आता. शाहरुख खान इतने अच्छा जीरो फिल्म बनाई, इतना अच्छा बेचारे पूरी फिल्म घुटने पे बनाई. नहीं एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, इतना मेहनत करते हैं शाहरुख, सलमान. सलमान ने तो देखो कितना बुढ़ापे का गेटअप किया एंड फिर इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग इतना अच्छा काम करते, पूरा साल निकल जाता है फिल्म में और पब्लिक को पसंद नहीं आती, एक सेकंड में बोलते नहीं पसंद आई. अरे वो देखो तो इसे हमारी मेहनत है, देखो सलमान की, शाहरुख की, सबकी मेहनत है. मेरे ख्याल से भारत फिल्म जो है बजरंगी भाई जान जैसे, उससे भी और बेटर है. और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो सलमान के खिलाफ जाते हैं, बढ़िया फिल्म सुपर हिट जाने वाले, सल्लू मियां अपन तुम्हारे साथ है. आने वाला दिन उनके ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन हो, वो जो विश चाहती हैं ऊपर वाले से उनकी सारी मुरादें पूरी हो. और क्या कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद उसको मिले. वैसे तो हम लोग काफ़ी पार्टीज़ वगैरह में भी मिलते रहते हैं और काम भी बहुत किया है. जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैं फिल्म रामपुर के लक्ष्मण कर रही थी, तो पाखी जी से मुलाकात हुई थी और वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने काफ़ी अच्छे टिप्स भी दिए थे मुझे, और जो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ज़िंदगी में. हर फिल्म में कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे टिप्स दिया है, तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ. और एक अच्छी वेल विशर एंड सिस्टर, मोस्ट ऑफ सिस्टर की तरह उनको मैं ट्रीट करती हूँ.
अच्छी है, नेचर से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है वो, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर के पास जा रहे हैं कुछ, और बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाती हैं। तो उनका मुझे लगता है या तो इंडस्ट्री में ना जितनी भी हीरोइंस हैं उनका सबसे बहुत अच्छा टाइप है। तो ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही रहें, और जो आपके मन में जितनी भी है शो वो सब आप, मतलब आप बहुत आगे बढ़ें, जितनी भी आपकी विशेज़ है वो सब गॉड फुलफ़िल करें। थैंक यू। प्रिय दर्शकों को उनके सबसे चाहते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग बहुत ही, हमारी इंडस्ट्री की जो लीजेंडरी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन, और मेरी बहुत ही करीबी, बहुत ही चहेती पाखी हेगड़े जी का जन्मदिन है आज। तो उनके इस शुभ दिन पर, उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग, नामी लोग, जैसा कि मैं आया हूँ, ऐसा मेरे साथ साथ और भी लोग आए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने हैं, ये पार्टीज, ये फंक्शन, ये जो भी चीज़ें होती है, ये सब बहाने होते हैं। हम सभी परिवार, जो हमारा सिनेमा परिवार है, इंडस्ट्री परिवार, ये सब एक साथ होता है और सबको मिलने का, क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का, सबसे मिलने का। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती है, बहुत खुशी होती है। और तहे दिल से हमारी पाखी जी को, हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीज़ और सबसे प्रीशियस पाखी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें, मैंने पोस्ट भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बख्शे, वो ऐसे ही हमेशा अपने खूबसूरती का जलवा हमेशा बिखेरती रहे। एंड व्हाट एवर शी इज ड्रीम सो फार शुड कम टू दिस ईयर। वेरी नाइस होगी पाकी और मैं, आई थिंक विपुल के बर्थडे पे लास्ट टाइम मिले थे, मेरे बर्थडे पे शरान, वी हैड अ ग्रेट फन, एंड अगेन आई जस्ट सॉ हिम, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम दैट विपुल मस्ट बी अराउंड। तो भाई साहब कहते हैं ना, थिंक अबाउट गॉड, गॉड इज हियर। नहीं नहीं, डेफिनेटली चलेगा, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन बाकी से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी, बहुत शुरुआती दिनों की दोस्ती है, और इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट दिनों पर कम से कम आए और अपनी शुभकामनाएं दें, हैप्पी बर्थडे बोले और कुछ नहीं। Many many happy returns of the day, Paki. Thank you. पंजाब, क्योंकि वो भोजपुरी के स्टार हैं, तो मैं एक जो बहुत कल्ट फिल्म थी कुदेसन जो है, मैंने, मुझे उनके डायरेक्टर ने दिखाई थी कि एक, तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन पूरी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर है, कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये भोजपुरी की लड़की है। तो पर मैं मेकआउट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी पंजाबी का एक्सेंट भी उनका आ रहा था। तो सो एक्टर तो एक्टर होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, फील तो फील होता है। एक कुड़ी कुड़ी ओ कुड़ी कुड़ी जहर दी पुड़ी सामने रहंदी ओए, सामने रहंदी ओए, मुँह कुछ ना बोल के कहंदी जान कढ लैंदी ओए। एक कुड़ी कुड़ी ओ कुड़ी 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 ओ कुड़ी कुड़ी ओए। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया उनको घर पे सरप्राइज़ करके विथ यू नो गिफ्ट्स एंड व्हाटएवर हर फेवरेट थिंग्स आर। हमने ट्राई किया कि हम उतना करें उनके लिए, बिकॉज वो काफ़ी बिजी रहती है, उनको घर में टाइम मिल दे नहीं पाते वो, तो हमें लगा कि हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, एंड आज आप लोग के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, सो वेरी हैप्पी टू डू दैट। उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप चटपटा खाना बनाओ, मिर्च मसाला वाला खाना बनाओ, उनके जिम ट्रेनर थक जाते हैं उनको बोल के कि खाना अच्छे से खाओ पाखी जी, बट पाखी जी नहीं सुनते हैं, पाखी को चटपटा खाना पसंद है, तो घर पे बोल के ही चलता है। घर पे सबसे ज्यादा आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय डाइट एंड आई मेंटेन वेरी वेल, एंड आप लोगों ने पूछा था बेस्ट गिफ्ट क्या था, तो शी earned out of her money, she gifted me for the first time a gold chain, which was a very beautiful gift. मेरे लिए वो बहुत precious है क्योंकि ये इसकी पहली कमाई से उसने मेरे लिए ख़रीदा है। तो शी इज़ अ ब्लॉगर एंड शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट राइट नाउ ऑन ब्लॉगिंग, सो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड वेरी सून यू विल हियर दैट शी इज़ डूइंग मूवीज। पाखी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। पाखी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें, लव यू सो मच पाखी, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाखी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे
कमाल के अदाकारा हैं और उनको उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। ओनली पर्सन इन माई लाइफ नाउ डेज शी इज़ टोटली ग्राउंडेड, शी इज़, जितने भी वर्ड्स बोलूँ उतने ही कम है पाकी के लिए, शी इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट पर्सन, सो गॉड ब्लेस हर ऑलवेज एंड आई विश हर गुड लक, लॉट ऑफ मनी, फेम एंड लव ऑल टुगेदर। पाकी से शुरू से ही मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत सालों से आई थिंक निरहुआ रिक्शा वाला जो मेरी फिल्म का बहुत बड़ा एक हिट सॉन्ग था, पाकी की शुरुआती फिल्म में से कुछ फिल्म में से वो एक थी, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब वेदर वी हैव वर्क टुगेदर और नॉट वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई वाकई एक लड़कियों में मैं जिसको रियल स्टार मानती हूँ दैट इज़ पाकी हेगड़े। फर्स्ट फिल्म में मैंने पाकी जी के साथ काम किया तो डेफिनेटली मेरी बहुत लंबी जर्नी है उनके साथ, इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स विद हर और मेरी उनके बर्थडे पे यही विश है कि वो इतने जैसे वो इतने सालों से उतनी सुंदर हैं, बस इतने सुंदर आगे दिखती रहें, एंड शी इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं मतलब लव्स नहीं है उनको बयान करने के, वो बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है उनका, हाँ बहुत अच्छा सोल है उनका, तो बस जैसे ही वो हैं वैसे ही रहने का उनको मैं विश करती हूँ और भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दे, उनके परिवार में सब खुशी हो, उनके पीस हो, बस और क्या। मैं तो उनको यही विश करना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो और वो बहुत अच्छी सोल है, मतलब बहुत प्यारी हैं वो, इतनी केयरिंग भी है, मैंने उनके साथ BIPL किया था एकदम, हाँ शी इज़ ऑसम, मतलब एकदम किड की तरह लगती है।